एनडीए सरकार द्वारा अपना वित्त वर्ष 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को पेश किया है। बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, उम्मीदों के अनुरूप कितना रहा है बजट? कितनी सारी ऐसी चीजें रही हैं जो आम आदमी के पक्ष में रही हैं, कितनी सारी ऐसी चीजें रही हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये सब हम इसी लेक्चर में समझेंगे। बहुत चर्चा रही कि ये अंतरिम बजट है, ये अंतरिम बजट है, तो बात वहीं से शुरू करते हैं कि ये अंतरिम बजट क्या होता है, या यूं कह लीजिए मैं थोड़ा सा और पीछे आपको लेके चला जाऊं, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पर बात करने के लिए वहां से बात शुरू कर ली जाए कि बजट एक्चुअली क्या होता है। तो बजट के बारे में अगर हम सीधे सीधे कोई परिभाषा ढूंढे तो उस तरीके से कोई परिभाषा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक बहुत अच्छा आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, आर्टिकल 112, जिसमें बजट को लेकर के एक जो वाक्यांश इस्तेमाल किया गया है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। उसको जो वाक्यांश इस्तेमाल किया गया है, उसके वाक्यांश के पीछे की क्या परतें हैं, क्या बातें हैं, वो पूरा बजट का एक्सपेंशन है। लेकिन उससे कुछ बुनियादी चीजें पता चल जाती हैं कि ये सरकार के खर्चे, सरकार को प्राप्त होने वाले धन का कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट होता है। वहीं जो आर्टिकल 112 है उसमें ही ये बात भी कही गई है कि राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है या ये जिम्मेदारी है उसकी कि वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष पर संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार का वित्तीय विवरण, यानी कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो रखवाएगा। यानी कि बजट दोनों ही सदनों में ऑफिशियली जो है वो पेश किया जाता है, और ये ट्रेडिशन रही है कि वित्त मंत्री ही इसे पेश करती हैं। करीब 150 साल पहले से भारत में बजट पेश होने की प्रक्रिया शुरू हुई, जब जेम्स विल्सन ने बजट में जो प्रस्तुत करने का है काम, वो भारत में शुरू किया था, और ये कॉलोनियल हिस्ट्री की बात है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास दो लैंडमार्क डेट आती है। एक डेट वो आती है जहां हम आजाद होते हैं, यानी 1947। एक डेट वो आती है जहां से हम रिपब्लिक अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो रिपब्लिक जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि यहां से पूरी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो जाता है और एक सही और स्टेबल सिस्टम हमारा जनरेट हो जाता है, रूलिंग का, गवर्नेंस का एंड बाकी सारे सिस्टम का। तो वहां से जॉन मथाई साहब का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार इनफैक्ट तारीख में 10 बार लगभग लगभग बजट पेश किया है। तो उन्होंने जो है बजट पेश किया था गणतंत्र भारत का पहला। फिलहाल बजट की हिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें बजट के कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बजट एक्चुअली सरकार के आय और सरकार के व्यय का एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजट का जो घटक है वो बेसिकली आय और व्यय है। अब इसी आय और व्यय में दो और बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, एक को कहते हैं रेवेन्यू और दूसरे को कहते हैं कैपिटल। जब बात रेवेन्यू की जाती है तो वो कुछ और चीज को संदर्भित करती है, और जब बात कैपिटल की जाती है तो वो कुछ और चीज को संदर्भित करती है। तो पहले रेवेन्यू और कैपिटल का भी अंतर यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए, जो रेवेन्यू होता है, अब उसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्सपेंडिचर के सिनेरियो से बात करें तो वो खर्चा, सरकार द्वारा किया गया वो खर्चा जिससे ना तो उसकी किसी जो मॉनेटरी लाइबिलिटी है उसमें कमी आ रही हो और ना उससे कोई एसेट जनरेट हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो सरकार सैलरीज दे रही है, पेंशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, ये सब उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब इसी तरीके से आप आ जाइए उसके रिसिप्ट पर। तो जो सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, वो रिसिप्ट होता है जो सरकार के ऊपर किसी तरीके की देनदारी क्रिएट नहीं करता। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टैक्स रिसिप्ट, ये सब सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। अब आ जाइए कैपिटल वाले एस्पेक्ट पे। तो सरकार की कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो सरकार के ऊपर किसी न किसी तरीके की देनदारी का सृजन करती है। जैसे सरकार जब बोरो करती है, किसी दूसरे देश से पैसे उधार लेती है, या कोई अपनी कंपनी बेच करके धन जुटाती है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और अब इसी के बरक्स अगली बात आती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो जब सरकार ऐसे खर्च कर रही हो, ऐसा व्यय कर रही हो जिससे या तो सरकार की किसी देनदारी में कमी आ रही हो, यानी उसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, या किसी तरीके की एसेट क्रिएट हो रही हो, तो हम उसे कहते हैं कि अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है। जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है,
और उसमें एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म जो प्लान्स होते हैं वो सरकार का गोल होता है। तो ये मोटा मोटा बजट का कॉन्सेप्ट है जिसे मैंने इसलिए बात शुरू में ही साझा कर दी ताकि हम अंतरिम बजट और बजट के डिफरेंस को ठीक से समझ पाए। आइए अब समझते हैं अंतरिम बजट और बजट का अंतर। तो जैसा आप बजट के बारे में पूरी डिटेल समझ गए हैं कि बजट होता क्या है और मोटे मोटे तौर पे बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो बात आती है कि अंतरिम बजट और बजट का क्या डिफरेंस है। तो दरअसल अंतरिम बजट कुछ और नहीं होता बल्कि इट्स अ काइंड ऑफ बजट विच आर नॉट फाइनल इन द फॉर्म। अगर हम उसे कहें कि यह अंतिम है तो बस वही एक अंतर है कि यह अंतिम नहीं होता है। तो सवाल उठता है अंतिम क्यों नहीं होता है? तो दरअसल इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जिसे अंतिम नहीं होने देती है, सामान्यतया जो अंतरिम बजट होता है वो सरकार का वो उस वित्तीय वर्ष का बजट होता है जिसमें वो चुनाव लड़ने जा रही है या उस वर्ष में सरकार के निर्वाचन का वर्ष होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि उस नई सरकार के चुने जाने से पहले जो 2-3 महीने का फाइनेंशियल ईयर का टाइम होता है उसके लिए सरकार एक टेम्पररी बजट का प्रोविजन करती है, उसे ही हम अंतरिम बजट कहते हैं। तो ये हमने व्यवहारिक शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की कि अंतरिम बजट क्या होता है। अगर हम इसको थोड़ा बहुत और इलेबरेट करने की कोशिश करें कि अंतरिम बजट की बातें क्या है, कैसे आप अंतरिम बजट को और ज्यादा डिटेल समझ सकते हैं, तो मैं आपको कुछ और चीजें इसके साथ जोड़ दे रहा हूं। जैसे सबसे पहली बात क्या है कि अंतरिम बजट एक अस्थायी व्यवस्था होती है जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक के जो बजट के एस्टिमेट होते हैं उसको मेंशन किया जाता है। यहां नई सरकार से मतलब यह है कि जो रूलिंग पार्टी है अगर वही चुन करके आती है तो भी वो नई गवर्नमेंट होगी, और अगर रूलिंग पार्टी जो अभी चल रही है उसकी जगह पे दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो भी नई गवर्नमेंट होगी। तो यहां ये कंफ्यूज मत होइएगा कि जो रूलिंग पार्टी अगर वो दोबारा चुन के आएगी तो वो नई नहीं होगी, एक्चुअली वो भी नई सरकार होगी। तो नई सरकार के गठन तक का ये बजट होता है। अब जैसे आज ये पेश हुआ है आपके यहां, यानी भारत में अप्रैल मई में चुनाव है लोकसभा के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई लोकसभा का गठन होगा 2024 में मई के इलेक्शन के बाद, वहां तक के लिए बजट का प्रोविजन अंतरिम बजट में किया गया है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जनरली इसका जो टेन्योर होता है वो 2-4 मंथ होता है, यानी 2-4 महीने की अवधि का होता है। इसके अलावा इसमें डिटेल्ड कोई एनालिसिस या डिटेल्ड रोडमैप डेवलपमेंट का नहीं होता है। इसमें अगर और आप डिफरेंस देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि इस बजट में सामान्यतया गवर्नमेंट किसी बड़े मेगा प्रोजेक्ट, किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने से बचती है, बल्कि इसमें कम फेरबदल के साथ एक एस्टिमेट वो प्रपोज कर देती है। तो ये इसके अंतर है। इसके अलावा इसमें एक और बहुत खास इकोनॉमिक जो एंगल है वो ये होता है कि बजट जो अंतरिम बजट होता है वो उसी टेन्योर यानी कि 2-4 महीने के लिए ही खर्चे निकालने की एक व्यवस्था होती है। इसमें उससे ज्यादा डिटेलिंग या उससे ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है क्योंकि उसके जो मेन बजट होता है, जो बजट आएगा सरकार द्वारा, उस पर व्यापक चर्चा होगी और वहां पर कट मोशन, आप जानते हैं कि ये सब सारी चीजें जो उसके बजट के अंदर डिस्कशन में आती हैं वो सब उसी बजट का पार्ट होता है। तो एक तरीके से ये एक तरीके का टेम्पररी बजट होता है। तो ये मैं आपको इसलिए साझा किया ताकि आप बजट को पूरी तरीके से समझ जाएं। अब बात आती है कि इस 2024 के बजट में हमने क्या देखा, क्या एस्टीमेट है, किस तरीके का फिगर है। तो थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ आपको ले चलेंगे। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि मैं कॉम्प्लेक्स नहीं होने दूंगा, बहुत लाइटर नोट पे हम लोग बजट को समझेंगे और साथ ही जो इसेंशियल पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या एक अवेयर पर्सन के रूप में आपको जानना चाहिए तो हम वही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बजट के जो आंकड़े हैं एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बजट की अगर हम बात करें, एक फिगर आप इसका देखें तो जो बजट की फिगर एक्चुअली आती है वो 1,000 करोड़ रुपए में आती है और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियली जो है वो डेटा रिलीज करती है। तो मेरे पास वो डेटा है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, तो इसमें मैं आपको कुछ आंकड़े जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते रहे हैं वो बता दे रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आंकड़े डायरेक्ट आऊं और बताऊं, कुछ और टर्मिनोलॉजी है जिसे समझ बगैर हम आंकड़ों को नहीं समझ सकते। जैसे आपने बजट में देखा होगा कि जो बजट होता है उसके साथ कभी बोला जाता है कि ये वास्तविक आंकड़े हैं, कभी ये बोला जाता है कि संशोधित आंकड़े हैं, कभी ये बोला जाता है बजट अनुमान है। तो ये सारे टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात कि ये क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो बजट अनुमान होता है वो जो फाइनेंशियल ईयर का बजट आ रहा है उससे प्रीवियस ईयर का बजट अनुमान, उस समय लगाया गया बजट अनुमान होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें कि संशोधित अनुमान, तो वही जो बजट अनुमान प्रीवियस ईयर में लगाया गया होता है उसी को रिवाइज किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो अगला आता है कि बजट अनुमान जो एस्टिमेट किया जा रहा है, जो आपके अंतरिम बजट का डेटा होता है, वो बजट का 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेट होता है। तो इस तरीके से इसमें आंकड़े आते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर रियल या वास्तविक डेटा कब आएगा, तो वास्तविक डेटा हमेशा क्या होता है, जैसे बजट अभी आ रहा है वित्त वर्ष 2024-25 का, जो कि आज प्रपोज हुआ 1 फरवरी की डेट को, तो जो वास्तविक डेटा हमारे पास बजट का अवेलेबल होगा वो आज से पीछे वाले 2 साल का, यानी कि 2023-24 का नहीं, 2022-23 का फाइनल डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, तो वास्तविक बजट का डेटा होता है। उससे पहले वाला जो डेटा, यानी कि जो प्रोसीडिंग ईयर चल रहा है, जो अभी चल रहा है ईयर, जो इस समय प्रिवील कर रहा है, उससे ठीक पहले वाला ईयर जो होता है वो अभी अनंतिम आंकड़े होते हैं, अंतिम आंकड़े नहीं होते हैं, फाइनल डेटा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अगर हम सिनेरियो में पूछें कि कौन सा उसके लिए जो प्रीवियस ईयर है उसमें कौन सा ईयर का डेटा उसको अंतिम माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जस्ट बिफोर नहीं होगा, जस्ट बिफोर के पहले वाला, यानी कि आज के सिनेरियो में अगर 2024 में बात करें तो 23 वाला नहीं बल्कि 22 वाला जो डेटा है वो हमारा फाइनल डेटा होगा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि जो बजट होता है उसमें एक्सपेंडिचर होती है, उसमें रिसिप्ट होती है, और उसी में मैंने आपको ये भी कहा था कि रेवेन्यू और कैपिटल दो वर्ड्स भी आते हैं, तो वही डेटा आपको मिलता है कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये हमारा जो बजट अनुमान इस बार लगाया गया है वो लगाया गया है 300175 करोड़ रुपए। आप कहीं पर नोट कर लीजिए, इसको बहुत ज्यादा इलेबरेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसी में आती है बात की जो बजट की रिसीविंग होती है, अब उसमें भी कैसी रिसीविंग होती है, उसमें भी जाहिर सी बात है कि राजस्व प्राप्तियां तो एक एलिमेंट है, कैपिटल रिसिप्ट्स भी होती है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स को भी देख लेते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का जो डेटा है 176,4494, ये 1,000 करोड़ रुपए हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स है। अब अगर हम टोटल देख लें तो टोटल जो हमारी गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स है वो है 4,765,768,000 करोड़ रुपए। वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 4,765,768,000 करोड़ रुपए। अब आती है बात, यहीं पे हम व्यय का भी मामला देख लेते हैं। तो हम डायरेक्ट व्यय के पास जब जाते हैं तो पता चलता है कि जो हमारा टोटल व्यय है उसका डेटा ऐसे आता है 4,765,768। अब आप यहां सोच रहे होंगे ये तो टोटल रिसिप्ट के इक्वल है, तो यस, बजट में जो टोटल रिसिप्ट्स होती है हम क्या करते हैं कि एक्सपेंडिचर को उतना ही एस्टिमेट करते हैं। अब एस्टिमेट पे मैंने क्यों जोर दिया, क्योंकि ये हमारा एक एस्टिमेशन है। जब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा होता है तो डेटा जब रिवाइज किया जाता है, जब डेटा को एनालाइज किया जाता है, तो पता चलता है कि जितना हमने सोचा था कि इतना ही खर्च होगा, खर्च कहीं उससे ज्यादा होता है। और जब खर्च ज्यादा हो जाएगा तो क्या क्रिएट होगा, डेफिसिट क्रिएट होगा, घाटा वहां से शुरू होता है। तो फिर जो बजट में घाटे की कॉन्सेप्ट आ जाती है, तो उसमें घाटे आपको पता है कि रेवेन्यू डेफिसिट होती है, फिस्कल डेफिसिट होती है, कैपिटल डेफिसिट होती है, बजट डेफिसिट होती है, इफेक्टिव जो है रेवेन्यू डेफिसिट होती है, ये 3-4 तरीके की डेफिसिट होती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा काम की जो होती है वो फिस्कल डेफिसिट होती है, जिसको सरकार हर बार टारगेट करती है और ज्यादा रिड्यूस करने की। तो ये तो रहा बजट का आपका डेटा। लेकिन इसी बजट के डेटा में हमें एक चीज और समझनी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन सिनेरियो में, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है रिसिप्ट्स के, और हम पैसे को खर्च कैसे करते हैं। तो इसका एक वेगन व्हील बनता है जो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से जो है यूटिलाइज किया जाता है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, आप उस फिगर को जरूर देखिए। देखिए वेगन व्हील ये कहती है कि जो रुपया, पहले तो हम ये देखेंगे कि रिसोर्स क्या है, तो पूरे को हम 100 मान ले या 1 रुपया मान ले, जो आपको सही लगे वो आप अज्यूम कर लीजिए। तो आप वेगन व्हील में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कि 32p है, वो 32p हमारे पास उस रिसोर्स से आ रहा है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी उधारी है, इसको हमने क्या किया है, बोरोइंग किया हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगली चीज जो आ रही होती है, वो आ रही होती है हमारी दूसरे वेगन व्हील में, और वहां दिख रहा है हमारा कि जो दूसरा यानी कि 32 के बाद का एस्टीमेट आ रहा है
वो 17 पी का आ रहा है, फिर उसके बाद दो इक्वल डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं 16 का। ये हमारा जो आपको ये मैं दिखा रहा हूं कि बजट का डेटा, ये 2023-24 के आंकड़े पे है, लेकिन उससे बड़ा वाला जो वेन डायग्राम है उसी सेम पैरामीटर पे आप समझिए, तो वहां दिखाया जा रहा है कि जो बोरोइंग्स है वो 28 पी है और जो कॉरपोरेट टैक्स है 17 पी है, और साथ ही साथ जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है यानी जीएसटी है वो 18 पी है। तो और यहां पर इनकम टैक्स का भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो 19 पी है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो बोरोइंग या अदर रिसीविंग्स जो हैं या अदर लाइबिलिटीज जो हैं उनका हिसाब या उनका डेटा सबसे ज्यादा हमें वहीं से रेवेन्यू मिल रहा है 28 पी। और उसके बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डेटा है वो ये कहता है कि हमें जो दूसरा सबसे बड़ा रिसोर्स है वो है इनकम टैक्स 19 पी हम वहां से ले रहे हैं, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर 17 पे आता है और जीएसटी 18 पे है। तो अगर हम इसको अरेंज कर लें तो सबसे टॉप पे अगर टैक्स में आ जाए तो डायरेक्ट टैक्स आ रहा है और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ रहा है, फिर उसके बाद जीएसटी आ रही है और तब आ रहा है कॉरपोरेट टैक्स। इस तरीके से आप याद करते हो 19, 18 और 17। 19 किसका शेयर है? इनकम टैक्स का, 18 जीएसटी का और 17 कॉरपोरेट टैक्स का। यह हमारा 2024 का रेवेन्यू रिसिप्ट्स का या सॉरी रिसिप्ट्स का टोटल डेटा आपके सामने मैंने दिया। अब आ जाइए एक्सपेंडिचर को। तो 2024 का जैसा कि एक्सपेंडिचर आप देख पा रहे हैं बड़े वाला जो डायग्राम है ये इस पे दिखाया जा रहा है, इसमें दिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो सरकार खर्च कर रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो दो डेटा एकदम इक्वल दिखाई दे रहे हैं, एक है इंटरेस्ट पेमेंट और एक है जो स्टेट का शेयर है, जो टोटल रेवेन्यू सरकार को मिल रही है उसमें स्टेट का शेयर है, दोनों 20-20 पी है, यानी कि लगभग हाफ का सिनेरियो है टोटल एक्सपेंडिचर में इन्हीं दोनों के ऊपर चला जा रहा है। तो 20 पी इंटरेस्ट पेमेंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी आपने देखा रिसीविंग में सबसे ज्यादा रिसिप्ट कहां से आ रही है? वो बोरोइंग से आ रही है, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा सरकार को खर्च करना है। इसके बाद स्टेट को शेयर देने में 20 पी जा रहा है, और इसके बाद अगर हम लोग शेयर की बात करें तो जो 16 पी का डेटा है वो सबसे बड़ा उसके बाद दिखाई दे रहा है, जो कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का है, और फिर उसके बाद छोटे छोटे और भी डेटाज हैं जैसे कि जो अदर एक्सपेंडिचर है वो 9 पे जा रहा है, और उसके बाद 8 पे दो चीजें हैं, जो डिफेंस का बजट है वो भी 8 पे है, और उसके बाद वहीं पर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो भी 8 पे हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा सरकार अभी खर्च कर रही है वो इक्वल डेटा 2024 का है, 20 पी इंटरेस्ट पेमेंट का भी है और 20 पी ही स्टेट का शेयर भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद घाटे को लेकर के एक आध डेटा इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है कि मैं आपको फिस्कल डेफिसिट जरूर शेयर कर दूं। तो फिस्कल डेफिसिट का जो बजट अनुमान इस बार रखा गया है कि इसको कितने परसेंट पर कंट्रोल रखना है, दैट इज 5.1%। पिछली बार ये ज्यादा था, 5.8 था, उसे इस बार रिड्यूस करके 5.1 पे रखा गया है। रेवेन्यू डेफिसिट 2.0 पे रखा गया है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को 0.8 पे रखा गया है और प्राइमरी डेफिसिट को 1.5 पे रखा गया है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये बजट का एक मोटा मोटा सिनेरियो है। अब इस बजट के मोटे मोटे सिनेरियो में एक चीज जो आपको और समझने वाली है वो बड़ा जरूरी एस्पेक्ट है जिसको मैं चाहता हूं कि जरूर आपसे बात हो जाए, और वो ये है कि हमारा जो यूनियन बजट है उसमें कहीं कुछ जो टैक्स है, कहीं कुछ और जो डेटा है, उनकी क्या तस्वीर है। तो मजे की बात यह है कि टैक्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। ध्यान रहे, आमतौर से हर एक फाइनेंशियल ईयर के बजट में लोगों को उम्मीद होती है कि सरकार टैक्स स्लैब को चेंज करेगी, लेकिन इस बार टैक्स स्लैब बजट 2023-24 की ही रिमेन है, कोई चेंज इस अंतरिम बजट में नहीं किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि बजट में कोई टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जो पैसा आने जाने का क्रम है वो आपको डिटेल में मैंने समझा दिया। एक और डेटा आपसे साझा करना चाह रहा हूं, ये है कि जो हमारा बजट है अगर हम लास्ट 5 ईयर से देखें तो हर साल ये बजट इंक्रीज होता गया है, यानी एक्सपेंड हुआ है। 2019-20 में जो परसेंट था बजट के बढ़ने का वो 27.84 था, और इस बार जो बजट है वो पहुंच गया है, सॉरी मैं परसेंट बोल गया,
एक्चुअली जो डेटा है वो लाख करोड़ में है, तो जो बजट 2019-20 में था वो 27.84 लाख करोड़ रुपए था, जो इस बार हो गया है 45.03 लाख करोड़ रुपए। तो बजट का अगर एक शेप देखें तो 5 सालों में लगभग लगभग आप देखें तो 61% जो है वो बजट इंक्रीज हो गया है। ये अपने आप में एक मैटर करता है कि हमारा बजट जो है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बजट से रिलेटेड कुछ और जीके या जीएस फैक्ट को कवर करें तो मैं आपको बता दूं कि 1955 तक बजट जो है वो केवल अंग्रेजी में छपता था, 56 से वो हिंदी में भी छपने लगा, उसके बाद 99 तक यानी 1999 तक बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, 99 से ही ये 11 बजे सुबह में पेश होना शुरू हुआ, 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन पर बजट पेश होता था, 17 में अब ये 1 फरवरी से पेश होना शुरू हुआ। एक डेटा और इंपॉर्टेंट है, 2016 तक रेल बजट जो है वो अलग से पेश किया जाता था, यानी रेलवे बजट अलग होता था, लेकिन 2017 में रेल बजट को एनुअल बजट या जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया और अब ये जो है वो एक ही में पेश किया जाता है। और एक और डेटा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सन 2021 में हमारे देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया, यानी कि कोई डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल तौर पर, डॉक्यूमेंट के तौर पर, हार्ड कॉपी के तौर पर हैंड ओवर नहीं किया गया, वो क्या डेटा था, पेपरलेस था, डिजिटल था पूरे तरीके से। जैसा लेक्चर के शुरू में मैंने कहा था कि जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था 1860 में, यह बजट आया था 7 अप्रैल को उन्होंने पेश किया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री हुआ करते थे। आजाद भारत का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, उस समय हमारे जो फिनांस मिनिस्टर थे आर के षणमुखम साहब थे, आर के षणमुखम चेट्टी, और 15 अगस्त 1947 से लेकर के 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए वो बजट था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत रिपब्लिक हुआ तब गणतंत्र की स्थापना के बाद जो बजट पेश किया वो किया जॉन मथाई ने, और वो पहला बजट जो पेश हुआ वो हुआ 28 फरवरी को। तो इस तरीके से बजट से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपसे साझा की। अब सवाल उठता है कि फिर बजट का आम आदमी से क्या सरोकार है, तो देखिए आम आदमी के लिए नया कुछ नहीं हुआ है, आम आदमी के लिए बजट के सीधे कोई प्रोविजंस नहीं आए हैं। हाँ ये जरूर हुआ है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो अभी भी हैं, उनपे फंडिंग जो है वो अभी भी रिमेन रखी गई है, जैसे मनरेगा हुआ, किसान सम्मान निधि हुई, इन सारी योजनाओं में सरकार का बजट अभी भी अलोकेट हो रहा है। तो नए स्कीम्स या नए इनिशिएटिव्स तो नहीं है, लेकिन जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है वो सारे के सारे रिटेन है, सारे के सारे चल रहे हैं, तो आम आदमी के लिए यही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बाकी अब हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में, मैं समझता हूं बजट के लिए ये लेक्चर इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।